मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। खास तो जरूर है उनका दिल और उनके दिल में बसा उनके हम सफर के लिए प्यार भी, वरना यूं ही कोई अपनी महबूबा के लिए मीलों दूर चला नहीं जाता। सुपरस्टार शाहरुख खान को आप भले ही बादशाह कहें, पर ये बादशाह आज भी आशिक है अपनी रानी के। शाहरुख खान और गौरी खान के प्यार की दास्तां किताबों के लिखे किसी कहानी से कम नहीं। शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी एक मिसाल है। आज भी जब फिल्म इंडस्ट्री में कपल की बात होती है तो सबसे ऊपर नाम शाहरुख और गौरी का होता है। दोनों ने बड़े प्यार से और मेहनत से अपने दम पर सारे शोहरत हासिल किए हैं। उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गौरी को पाने के लिए शाहरुख ने सारी हदें पार कर दी। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी और तब शाहरुख नहीं थे। तब वह अपनी किस्मत बॉलीवुड में आजमा रहे थे। तभी थामा था गौरी ने उनका हाथ। चलिए देखते हैं कैसी थी दोनों की फिल्मी प्रेम कहानी। 1984 में गौरी और शाहरुख मिले थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख को जब गौरी से प्यार हुआ तब वह सिर्फ 18 साल की थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की फर्स्ट डेट दिल्ली की पंचशीला क्लब में हुई थी। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा कि उन्होंने गौरी के घर पर फोन किया था और कहा था कि मैं गौरी की दोस्त शाहिन बोल रही हूँ। 1991 में दोनों की शादी हुई थी। शाहरुख और गौरी को शादी के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था शाहरुख और गौरी के साथ। गौरी जब शाहरुख से मिली थी तब वह मॉडल थी। मॉडलिंग के सिलसिले में वह दिल्ली से मुंबई चली आई। दोनों साथ में मुंबई गोराई बीच के यहाँ रहने लगे। 25 अक्टूबर 1991 में दोनों की शादी हुई। शादी में शाहरुख ने वही सूट पहना था जो उन्होंने राजू बन गए जेंटलमैन में पहना था। 1991 में वह मुंबई में बस गए। शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 1988 में टीवी सीरियल फौजी और फिर 1989 में सर्कस में काम किया था। 1991 में दिव्या भारती स्टार दीवाना में हम किरदार में नजर आए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। उनको किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। इतने कम समय में सफलता पाना आम बात नहीं होती, लेकिन हम बता दें कि गौरी को शाहरुख का पूरा सपोर्ट था, जिसकी वजह से वह अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे थे। शादी के 6 साल शाहरुख और गौरी के घर उनका पहला बच्चा आर्यन का जन्म हुआ था। आर्यन का जन्म नवम्बर 13 को हुआ था। सुहाना का जन्म 22 मई 2000 में हुआ था। उनका एक बेटा है जिसका नाम है अब्राहम, जिसका जन्म 27 मई 2013 में हुआ था। इंटरव्यू के दौरान गौरी खान ने कहा था कि मेरी जिंदगी सिर्फ शाहरुख और बच्चों के साथ है। उन्होंने आगे कहा, वह दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि शाहरुख मेरे जीवन साथी हैं। मेरा उनके लिए बहुत प्यार है और वह सिर्फ मन के अंदर ही रहता है। मुझे दिखा कर प्यार करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शाहरुख और गौरी का बहुत खुशहाल परिवार है। शाहरुख और गौरी खुशी से अपने तीनों बच्चों के साथ मुंबई बांद्रा में रहते हैं। इनकी प्रेम कहानी लोगों के लिए मिसाल है। आज भी शाहरुख लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शाहरुख और गौरी की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इससे मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी एक भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिस ना हो।